वैसे ना मुझे नहीं पता था कि मेरी बात ना इतनी जल्दी सच होने वाली है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्या कह दिया जो सच हो गया। मैंने बात की थी कुछ दिनों पहले वीडियो के माध्यम से ही आपके रूटीन वर्क की, तो आज आपकी रूटीन वर्क की अच्छी तरह से एक बार फिर से धजिया उड़ चुकी है जो धजिया आप पहले वाले रूटीन की उड़ा रहे थे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यस टीवी चैनल पर, जहाँ पर आशा गुरप्रीत एक बार फिर से मौजूद है आप सभी के लिए ढेर सारी बातों के साथ। और आज मैं एक बार फिर से आपके रूटीन वर्क की बात करने वाली हूँ। आया तो वैसे बहुत मजा आज सुबह सुबह जब आपको 7 बजे शार्प 7 बजे 7 o'clock अपने कामों पर पहुंचना पड़ा। यानी कि मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए ना, जो लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे और 1 बजे सुबह का ब्रेकफास्ट करते थे, आज उन्हें सुबह 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना पड़ा, तो उनके लिए कयामत हो गई ना, कयामत। तो इसीलिए मैं आपको बार बार अलर्ट कर रही थी, समझा रही थी कि अपने रूटीन वर्क को खराब ना करें, क्योंकि ये जो समस्या है वो अस्थाई समस्या है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ना मुझे जरूर बताइएगा कि आज का आपका रूटीन ना कैसा रहा, और आगे 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 किस तरह से आपका रूटीन जो है वो बदल सकता है और भी ज्यादा। क्योंकि जैसे कि टाइमिंग हुआ है सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, तो 12 बजे तो आप उठते ही थे और 12 बजे आपके काम की छुट्टी होने वाली है, तो मतलब कि ये कि रूटीन का आगे से लेकर पीछे तक सब कुछ बिगड़ गया है। तो इसीलिए मैं यही आपको कहती हूँ कि हमेशा अपने रूटीन वर्क को वैसा ही रखें जैसा आपका रूटीन वर्क अदर डेज में होता है। कभी भी छुट्टियों में अपनी रूटीन वर्क को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब छुट्टियां खत्म होती हैं, जब लॉकडाउन खत्म होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अपनी रूटीन को वापस रूटीन में लाने के लिए। अब देखिए ना कि जहां हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे ब्रेकफास्ट करते थे, वहां पर आज हमें 6 बजे या फिर 6:30 बजे या फिर पूरे शार्प 7 o'clock ब्रेकफास्ट करना पड़ा, तो हमें कहां भूख लगी है, है ना दोस्तों। उस टाइम तो हम अपने सपनों की दुनिया में होते हैं ना, उस टाइम तो हम किसी बंगले में होते हैं, किसी कार में होते हैं, या फिर कोई हमें उठा के ले जाता है, या फिर हमारे पीछे भूख पड़ जाते हैं ना, ऐसे सपने, मतलब डरावने सपने लगा लो, अच्छे सपने लगा लो, वो सपने हम उस टाइम पे देखते होते थे। तो आज उस टाइम पर हमें उठकर तुरंत भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो यार इस मैसेज से तो अब हमें सीख ले लेनी चाहिए, है ना दोस्तों, की अपना रूटीन जो है खराब नहीं करना चाहिए। और रूटीन में रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप में लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, और दोबारा अपने रूटीन में आने के लिए भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम ऐसे कह सकते हैं। फिलहाल इन सभी बातों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी बात करें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, जिस बारे में आपको नॉलेज चाहिए टाइम टू टाइम, वो भी टॉपिक्स आप अपने शेयर कर सकते हैं। हम आपकी पसंद के अकॉर्डिंग भी आप तक जो है राय पहुंचाएंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे और आपको वो सारी जानकारियां बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल अब मैं चलती हूँ और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में आप ही के कमेंट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल यस टीवी। बाय बाय एंड टेक केयर।